बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल की सजा और सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी समेत दिग्गज नेता राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। इस दौरान खड़गे और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कायर और अहंकारी हैं और राहुल लोकतंत्र को बचाने और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और पलटवार कर कहा कि कई मामलों में जो नेता बेल पर घूम रहा है वो गांधी जी के नामों को इस्तेमाल कर उसे बदनाम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे दो सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून में सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। मजबूती से लड़ेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है ये? राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 200,000 करोड़ शेयर कंपनियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मैं भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।